प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बच्चों, आज अपना प्रकरण है प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, जैसा हमने 8वीं कक्षा में भी प्रकाश के परावर्तन के बारे में सीखा है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों है क्या, आप सभी जानते हैं। हमें विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं की जानकारी कैसे महसूस होती है, उसमें सबसे बड़ी जो दृष्टि की संवेदना है वो सबसे महत्वपूर्ण संवेदना है। उसी संवेदना के कारण हम अपने आसपास के पर्वत, नदी, पेड़, व्यक्ति, अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। सृष्टि का सुंदर रूप हम देख सकते हैं, जैसे बादल देखते हैं, इंद्रधनुष देखते हैं, उड़ने वाले पक्षी, चंद्रमा, तारे, ये सभी हमारी संवेदनाओं के कारण ही होता है। और बच्चों, जैसे आप जानते हैं, रात्रि के समय आप ये सब नहीं देख सकते हैं। बल्ब जलता है तो आप सारी चीजें देख सकते हैं, बल्ब को बंद कर दें तो हम नहीं देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैंने कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के द्वारा ही हम कुछ देख सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, इस पाठ का नाम है, अपने प्रकरण का नाम है। तो किसी एक पृष्ठ भाग पर प्रकाश की किरणें टकराती तो उनकी दिशा बदलती है और वे वापस लौट जाती हैं, इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, हम इस पाठ में प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या सीखेंगे, पहले देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन में हम दर्पण और दर्पण के प्रकार देखेंगे, गोली दर्पण और उसके द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब, गोली दर्पण के कारण होने वाला आवर्धन। और सबसे पहले हम, जैसा अपना टॉपिक है बच्चों, आप अपने घर में दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, और दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आप अपनी गाड़ी में, अगर आपके पास 4-व्हीलर 2-व्हीलर गाड़ी है तो उसमें भी दर्पण लगा रहता है। वो दर्पण किस लिए लगा रहता है गाड़ियों में बच्चों, पीछे से आने वाली जो गाड़ी है वो हमको दिखाई दे, उसका प्रतिबिंब उसमें बनता है। तो दर्पण में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कौन से दर्पण लगे रहते हैं, ये सब की जानकारी हम इस पाठ में करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, अपना जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जैसे हमने बताया कि किसी एक पृष्ठ भाग का प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो उनकी दिशा बदलती है और वापस लौट जाती हैं, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप जैसा जानते हैं, अभी हमने जिक्र भी किया कि प्रकाश के कारण ही हम सारी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो व्हाट इज लाइट, ये देखिए आसमान में जो हम देखते हैं, इंद्रधनुष, बादल, उड़ने वाले पक्षी, चंद्रमा, तारे, ये सभी हमारी दृष्टि संवेदनाओं के कारण ही हम इसको देख पाते हैं। तो व्हाट इज लाइट बच्चों, प्रकाश हमारे आसपास की घटनाओं की जानकारी देने वाला संदेश वाहक है। केवल प्रकाश के अस्तित्व के कारण हम सूर्योदय, जैसा आप यहाँ पर देखिए सूर्योदय हो रहा है, यहाँ पर सूर्यास्त हो रहा है, ये सूर्योदय है, सनराइज और ये सनसेट है, सूर्यास्त, इंद्रधनुष, आप इधर देखिए इंद्रधनुष देख रहे हैं, रेनबो जिसको बोलते हैं, जैसे प्रकृति के विभिन्न चमत्कारों का आनंद ले सकते हैं, हमारे आसपास की सुंदर विश्व के हरे भरे वन, रंग बिरंगे फूल, दिन में नीला दिखने वाला आकाश,
अंधेरे में चमकने वाले तारे तथा हमारे आसपास की कृत्रिम रश्मियां भी हम प्रकाश के अस्तित्व के कारण ही देख सकते हैं। प्रकाश दृष्टि की संवेदना निर्मित करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो बच्चों, हमने जिक्र किया पृष्ठ भाग का। तो ये जो पृष्ठ भाग होता है, हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के पृष्ठ भागों से प्रकाश का होने वाला जो परावर्तन भी होता है वो भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के कौन से प्रकार होते हैं और परावर्तन के नियम क्या है, ये हम लोगों ने सीखा है कक्षा 8वीं में। हम उसकी याद आपको दिलाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का अर्थ है, हमने आपको बताया कि किसी एक पृष्ठ भाग पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो उनकी दिशा बदलती है और वे वापस लौट जाती हैं। इसे ही प्रकाश का परावर्तन करते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन है बच्चों, वो खुरदरे पृष्ठ भाग, ये देखिए, वो दो भागों पर होता है, या तो समतल होता है समतल पृष्ठ भाग, या तो होता है खुरदुरा पृष्ठ भाग। तो जो समतल पृष्ठ भाग होता है उस पे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, और जबकि खुरदरे पृष्ठ भाग से प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो अनियमित होता है। वो क्या होता है बच्चों, अनियमित। देखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में ए रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये देखिए ये क्या है, ये प्लेन मिरर है, ये समतल पृष्ठ भाग है। ये समतल पृष्ठ भाग है, इस पर प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो रेगुलर होता, माने नियमित होती है। ये देखिए ऊबड़ खाबड़ भाग है, माने ये खुरदुरा पृष्ठ भाग है। तो खुरदुरा पृष्ठ भाग पर ये परावर्तन भी क्या होता, अनियमित होता है। इधर से जितने कोण पर आ रही उतने कोण पर माने इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। ये लिखा है इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज है। ये भी इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, लेकिन दोनों के बीच जो कोण है वो बराबर नहीं है। तो समतल पृष्ठ भाग पर प्रकाश का परावर्तन नियमित होता है और खुरदरे पृष्ठ भाग पर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अनियमित होता है। ये देखिए इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। ये कोण और ये कोण क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। आगे हम आपको ले चलते हैं बच्चों मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर्स एंड टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण और दर्पण के प्रकार। अपने घर में हम समतल दर्पण का यूज करते हैं, बस गाड़ियों में गोली दर्पण का उपयोग हम करते हैं, और तमाम प्रकार के दर्पण है। जैसे हम बाल कटाने के लिए जाते हैं वहाँ भी दर्पण का ही उपयोग होता है, या हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं वहाँ भी दर्पण का उपयोग होता है, माने दर्पण के बहुत सारे उपयोग हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे व्हाट इज मिरर, दर्पण क्या है। ये वैज्ञानिक है, इनका नाम इधर लिखा है, ये जर्मन वैज्ञानिक है जस्टस वान लिबिंग। इन्होंने क्या किया कि सादे कांच के टुकड़े के समतल पृष्ठ भाग पर चांदी का लेप लगाया और दर्पण तैयार किया। इसे ही रजत कांच परावर्तक कहते हैं। टुकड़ा का जो लिया, कांच का टुकड़ा, और उस पर एक भाग पर क्या कर दिया, चांदी का लेप लगा दिया, तो देखा कि उसमें चेहरा जो होता है दिखने लगा। इसे आप तो कांच लेंगे उसमें चेहरा नहीं दिखता है। तो होता है क्या है बच्चों, दर्पण क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें चमकीले पृष्ठ भाग की आवश्यकता होती है, क्योंकि चमकीला पृष्ठ भाग कम प्रकाश अवशोषित करता है और इस कारण अधिक से अधिक क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। आपने देखा समतल पृष्ठ भाग पर पीछे परावर्तन रेगुलर होता है और खुरदरे पृष्ठ भाग से परावर्तन क्या होता है, कम होता है। तो विज्ञान की भाषा में कहा जाए कि वह पृष्ठ भाग जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन करके
सुस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है उसे हम दर्पण कहते हैं, और दर्पण परावर्तक पृष्ठभाग होता है। दर्पण परावर्तक पृष्ठभाग होता है। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। दर्पण जो होते हैं वो प्रकार है, दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। आज हम इस वीडियो में समतल दर्पण के बारे में आपसे हम बातचीत करेंगे, हम दूसरे वीडियो में गोली दर्पण के बारे में बातचीत करेंगे। तो दर्पण के हमने आपको दिखा कि दो प्रकार हैं। ये देखिए, ये प्लेन मिरर है, ये समतल दर्पण है, और ये क्या है, इस गोला आकार है, तो इसको हम बोलते हैं गोली दर्पण। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या है, दैनिक जीवन में समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर कहते हैं, ये देखिए प्लेन मिरर है। आप अपने घर में आपका जो दर्पण है वो प्लेन मिरर ही कहलाता है। दैनिक जीवन में अनेक जगहों पर समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये समतल दर्पण है, समतल चिकने कांच के पिछले पृष्ठ पर एल्युमिनियम या चांदी धातु का पतला परावर्तक लेप लगाने से समतल दर्पण तैयार होता है। परावर्तक पृष्ठ को अपारदर्शी करने के लिए तथा पृष्ठ भाग का संरक्षण करने के लिए धातु के परावर्तक लेप पर रेड ऑक्साइड जैसे पदार्थ का लेप लगाया जाता है। कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है बच्चों कि दर्पण पर लेप जो लगा होता किस का लगा रहता है, तो रेड ऑक्साइड का लगा रहता है। किसका लगा रहता है बच्चों, रेड ऑक्साइड का लगा रहता है। आप जैसे कंघी करते हैं अपने दर्पण में, तो आपका उल्टा हाथ, दायां हाथ बायां दिखता है, बायां दायां दिखता है। जैसे यहाँ जग रखा है, देखिए इसकी भी आकृति, ये बड़ा हैंडल, ये छोटा है, इधर उल्टा दिखता है। या बस गाड़ियों में भी आप जब देखते हैं, आप इसमें अपने अक्षर को भी ले जाए, किताब के अक्षर को आप देखें, तो उसका भी प्रतिबिंब उल्टा ही दिखता है। अगर आप पी है तो उसमें क्यू दिखेगा, क्यू दिखाएंगे तो पी दिखता है, माने उल्टी आकृति दिखती है। तो बच्चों कहने का अर्थ ये है, इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके नियम भी कुछ है जिसको हम लोगों ने सीखा था। ये देखिए लिखा है, दर्पण में शब्दों का उल्टा प्रतिबिंब दिखता है, शब्दों के आरेखन के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर निर्मित होता है, इसे हम पक्षों की अदला बदली कहते हैं। परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन के बच्चों तीन नियम है, आपको याद हो गए। परावर्तन के कितने नियम है, तीन नियम है। कौन कौन से वो तीन नियम है, ये देखिए, ये प्लेन मिरर है, इस पर ए और ओ क्या है, आपतित किरण है, और ये अभिलंब है। ये आपतित किरण है, यहाँ पर आपतन कोण बनता है आई, और ये किरण यहाँ से टकराती है, परावर्तित होती है, किरण ओ बी, ये परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रेज है, और जो इसके कोण बनता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आर होता है, और यहाँ पर ओ जो बिंदु है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चों, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो ये देखिए दर्पण की दर्शाने वाली रेखा PQ है, ये PQ दर्पण को दर्शा रही है। आपतित किरण का नाम अगर बोला जाए तो ए वो आपतित किरण है, और O और B ये परावर्तित किरण है। दर्पण की स्थिति जो दर्शाई गई है ये 90 अभिलंब है, 90 अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का कोण बना रही है। ये कोण यहाँ पर आप देखेंगे पी ओ एन, ये भी 90 अंश है, और कोण एन ओ क्यू, ये भी क्या है, 90 अंश है। तो किरण ए ओ को आपने देखा, ये आपतित किरण है, और बिंदु ओ क्या है, यहां पर आपतन बिंदु है, यहां पर देखिए लिखा गया है बच्चों, किरण ओ बी परावर्तित किरण है, ओ एन क्या है, अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण का नाम जो होता है
आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच जो कोण बनता है इस कोण का नाम है आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच जो कोण बनता है उस कोण का नाम है परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को हम आर से लिखते हैं। बच्चों यहाँ पर पहला नियम जो है वो क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन का कोण का मान जो होता है आई बराबर आर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। जो दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही प्रतल में स्थित होते हैं। तीसरा नियम है, आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत ओर होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण ये दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होती, ये अभिलंब के क्या होती है, विपरीत ओर होती है। ये थे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के तीन नियम आप लोगों ने देखा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब एक ही प्रतल में स्थित होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत ओर स्थित होते हैं। तो हमने आपसे पहले ही चर्चा किया था कि हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे, गोली दर्पण के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि प्लेन मिरर पर जब लंबवत किरणें आती हैं उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये देखिए दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे निर्मित होता है। आप अपने घर में, आप सबके घर में दर्पण है, आलमारी में लगे रहते हैं दर्पण, या छोटे और दर्पण भी रहते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कैसे होता है उसके सामने आप खड़े होकर के एक्टिविटी करके देख सकते हैं। इसे समझने के लिए कि कैसे हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखता है बच्चों, हम आपको बताएंगे। ये देखिए दर्पण है, समझो ये दर्पण के सामने आप खड़े हो जाते हैं। तो ये बिंदु स्रोत है, तो बिंदु स्रोत से निकलने वाली सभी किरणें जो होती हैं, बिंदु स्रोत के सभी दिशाओं में किरणें निकलती हैं, उनमें से अनेक किरणें अगर दर्पण पर आती हैं, ये देखिए यहाँ पर ये आपतित किरण है जा रही है, लेकिन दर्पण फिर ये यहाँ दर्पण से टकराती है बच्चों, तो आगे नहीं जा पाती है, फिर ये क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। ये आपतित किरण है जा रही है और फिर क्या होती है, परावर्तित किरण हो रही है। इस प्रकार से सभी किरणों की स्थिति यही दिखाई रही, चाहे यहां से हो, चाहे यहां से हो, चाहे यहां से हो। और जब परावर्तित होगी तो कहां आएगी, हमारी आंखों पर आएगी, हमारी आंखों तक पहुंचती है। और परावर्तन के कारण ये किरणें दर्पण के पीछे के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर दर्पण का प्रतिबिंब निर्मित होता है। उस बिंदु पर दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, निर्मित होता है। यहां पर देखिए कैसे बनता है, ये दिखाया गया है बच्चों, ये देखिए इमेज है, कैसे जहां से भी बिंदु स्रोत है सभी दिशाओं में प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, अनेक किरणें दर्पण पर आ रही हैं, आपतित हो रही हैं, फिर परावर्तित हो रही हैं, और परावर्तन के कारण ये किरणें दर्पण के पीछे के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए बराबर लंबवत आएगी किरणें, तो लंबवत ही परावर्तित होगी। जैसे यहां पर देखिए आपतित किरण लंबवत है 90 अंश के कोण पर, तो उसी पर क्या होती है, परावर्तित होती है, और हमारी कहां आती, सीधी आंखों पर आती है। अब एक दूसरा हम बताते हैं कि बिंदु स्रोत के कारण समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की निर्मिति किस प्रकार से होती है। एक दूसरे उदाहरण से हम आप समझेंगे। ये देखिए ये प्लेन मिरर है, M1 M2, ये देखिए M1 और M2 क्या है, M1 M2 एक प्लेन मिरर है, ये वाला भाग बराबर। यहां पर वस्तु, वो जो है वस्तु है, ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, M1 M2 के क्या है, दर्पण के सम्मुख वस्तु है,
तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। इसमें दो आपतित किरणें हैं, देखिए ओ आर वन है और ओ आर टू है। हमने आपको अभी क्या बताया कि ओ आर वन और ओ आर टू परावर्तन के नियम के अनुसार रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ए आर वन एस वन इधर हो गई रिफ्लेक्ट, इधर हो गई रिफ्लेक्ट, और ए आर टू एस टू इधर हो गई रिफ्लेक्ट, इधर देखिए। और इन परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, ये परावर्तित हो गई, इन किरणों को हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहां पर मिलता है इमेज, जहां पर ये प्रतिच्छेदित करती हैं वो बिंदु O1 मान लो, यहां पर O1 है। तो ये किरणें कहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं? O1 से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। O से निकलने वाली किरणें ये हैं, O से निकलने वाली किरणें हैं। वो कहां से प्रतीत होती आती हुई? O1 से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए बिंदु O1 ही बिंदु O का क्या है? प्रतिबिंब होता है। O1 क्या है? बिंदु O का प्रतिबिंब है। तो परावर्तित किरणें प्रत्यक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। आप इसको याद रखेंगे कि परावर्तित किरणें प्रत्यक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, इसलिए इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब की दर्पण से लंबवत दूरी बिंदु स्रोत की दर्पण से लंबवत दूरी के क्या होती है? बराबर होती है। विस्तारित स्रोत के कारण समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की निर्मिति कैसे होती है बच्चों? बिंदु स्रोत के स्थान पर अगर हम विस्तारित स्रोत, देखिए विस्तारित स्रोत का अगर हम उपयोग करते हैं, यहां पर ये तो M1 M2 ये दर्पण है, ये देखिए दर्पण आप दिख रहा है चित्र में, और PQ और P1Q1 ये सम्मुख, इसके सम्मुख है PQ, तो P का प्रतिबिंब P1 पर और Q का प्रतिबिंब कहां निर्मित हो रहा है? Q1 पर निर्मित हो रहा है। इस प्रकार PQ के सभी बिंदुओं का प्रतिबिंब निर्मित होने से विस्तारित स्रोत का प्रतिबिंब P1Q1 जो होता है वो निर्मित हो रहा है, माने चाहे जहां से आप देखेंगे। तो समतल दर्पण द्वारा कह सकते हैं आप कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार स्रोत के आकार के बराबर ही बनता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार स्रोत के आकार के बराबर ही होता है। हमने आपको पीछे बताया कि दर्पण में शब्दों का उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है। अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक तो बनता है, वर्चुअल बनता है उसका प्रतिबिंब। ये देखिए इस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगर ये देखिए इस प्रकार, चाहे जहां आप खड़े होंगे आगे आएंगे दूरी घटती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन वो जो प्रतिबिंब बनता है वो वर्चुअल ही बनता है। तो बच्चों अब आज हम यहां आपको बताएंगे कि किस एंगल पर हम खड़े होंगे तो कितने कोण बनते हैं। तो उसके लिए एक सूत्र है कि प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटे a माइनस 1, n प्रतिबिंबों की संख्या है और a क्या है? दर्पण के बीच का कोण है। आप और दर्पण के बीच में कितने का कोण बनता है? हम 90 अंश, एक चित्र आपको दिखा रहे हैं, जैसे 120 अंश का कोण है,
360 में 120 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 में से एक घट जाएगा तो दो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 2। अगर 90 अंश पर खड़े हैं, कितने खड़े हैं 90 अंश पर, तो 9 चौक 36, 4 में से एक गए, 3 प्रतिबिंब बनते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर दिखा है, ये देखिए आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो यहाँ पर 1, 2 और 3, ये 3 प्रतिबिंब बनते हैं। अगर आप दर्पण के सामने समकोण पर खड़े होते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी, 3। अगर 60 अंश पर खड़े होते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी, 5। माने 360 में 5, 60 से भाग दे दो और 1 को घटा दो। 45 अंश पर अगर खड़े होते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या आती है 7। अगर 30 अंश पर खड़े होते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या आती है 11। तो बच्चों अगर प्रतिबिंबों की संख्या निकालना है, दर्पण के बीच का कोण अगर दिया है, tn बराबर 360 बटे a माइनस 1, इसकी सहायता से हम प्रतिबिंब की संख्या मालूम कर सकते हैं। बच्चों अगर दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखा जाए, समांतर माने दोनों के बीच में 180 अंश का कोण हो अगर, तो कितने प्रतिबिंब आपको दिखेंगे? यदि दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे जाए तो कितने प्रतिबिंब दिखेंगे बच्चों? आप कहीं जाते होते हैं, देखते तो आपका, आप अकेले रहते हैं और प्रतिबिंब की संख्या उसमें बहुत सारी दिखती है, तो वहां पर यही दर्पण समांतर रखे रहते हैं, तो इनफाइनाइट अनंत प्रतिबिंब माने आप गिन ही नहीं सकते कितने प्रतिबिंब आपके बनेंगे। इसके बाद बच्चों आप लोग दर्पण में रोज अपना चेहरा देखते हैं, कभी कभी हमारा थोड़ा सा सर ही दिखता है, और कभी कभी आपने सोचा है कि अपना पूरा अगर शरीर देखना है पैर से लेकर के सर तक, तो कितना बड़ा दर्पण होना चाहिए? आपके दिमाग में कभी ये बात आई है? आज चलिए हम बता देते हैं, आपका पूरा शरीर अगर देखना है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो दो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए जिससे आपका पूरा पूरा प्रतिबिंब दिख जाए? समतल दर्पण और व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब, समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि व्यक्ति का पूरा पूरा प्रतिबिंब दिखे? ये देखिए हमने यहां पर ये आकृति में ये हेड है, यहां पर एच से हेड है, ये हेड है और ई को हम आई मान लेते हैं, ई को क्या मान लेते हैं, आंख मान लेते हैं, और यहां पर एच ई है, इसको हम अगर मध्य बिंदु मानते हैं, मध्य बिंदु इसका आर है, एच ई का बिंदु मध्य बिंदु क्या है, आर है। इसी प्रकार से ई एफ है, इसका मध्य बिंदु एस है। अब समतल दर्पण द्वारा देखिए लंबवत रखा गया है, इस पर लंबवत किरणें पड़ती हैं, आप आपतित किरणें परावर्तित होती हैं, इमेज उसका पीछे बनता है, वो मालूम होता है, आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए यहां पर P और Q है, देखिए आप P और Q, यहां पर P और Q, ये PQ दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई है। इसके लिए R और P, ये देखिए R है और ये P है, R और P, S और Q, यहां पर देखिए ये दर्पण के लंबवत होना आवश्यक है। तो जो दर्पण की न्यूनतम लंबाई है PQ बराबर ये किसके होगा, PQ बराबर हो जाएगा RS के,
आर एस। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर एस के बराबर होगा। आर एस बराबर क्या है, आर एस बराबर है आर ई धन ई एस, ये देखिए यहां पर लिखा गया है। पी क्यू बराबर है आर एस, आर एस बराबर है आर ई धन ई एस, आर ई बराबर है एच ई बटे टू और ई एस बराबर है ई एफ बटे टू, ये दोनों के बराबर है एच एफ, ये दोनों के बराबर क्या है एच और एफ बटे दो, माने व्यक्त की ऊंचाई का आधा। ये देखिए व्यक्त की ऊंचाई क्या है, एच एफ है, एच एफ पूरा व्यक्त की ऊंचाई है समझो। तो पूरी व्यक्त की ऊंचाई जो अगर देखने के लिए जितना लंबा व्यक्ति है उसका कम से कम व्यक्ति की ऊंचाई का आधा भाग अगर मिरर रहता है तो हमारा उसमें पूरा प्रतिबिंब दिखता है। आधा भाग कितना भाग रहता है, आधा भाग रहता है तो उसमें हमारा पूरा का पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। उससे कम अगर आधे भाग से कम रहेगा, जितनी भी आपकी ऊंचाई है उसका आधा आप मिरर में देखोगे तो आपका पूरा का पूरा प्रतिबिंब दिखाएगा। तो समतल दर्पण द्वारा व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब दिखने के लिए दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है उस व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होना आवश्यक है। तो आज हम लोगों ने बच्चों जो जो सीखा कि सबसे पहले हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन क्या है उसके बारे में सीखा, प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन का अर्थ क्या है, परावर्तन के प्रकार कौन से हैं, दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार क्या है, दर्पण की सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने परिचय दिया और दर्पण कितने प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोली दर्पण, जिसमें समतल दर्पण के बारे में प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब दर्पण पर लंबवत आने वाली किरणें होती है या बिंदु स्रोत के कारण समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की निर्मिति कैसे होती है, विस्तारित स्रोत के कारण सर्पण दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की निर्मिति कैसे होती है और कितने कोण पर हम खड़े होते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या हम किस सूत्र एन बराबर 360 बटे ए माइनस 1 जहाँ पर एन प्रतिबिंबों की संख्या है, ए दर्पण के बीच का कोण है और लास्ट में हमने समतल दर्पण द्वारा व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब दिखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होना आवश्यक है इस बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। हम इसके दूसरे वीडियो में बच्चों पार्ट टू में आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं, पार्ट टू में हम गोली दर्पण के बारे में आपको सिखाएंगे, गोली दर्पण के प्रकार है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, गोली दर्पण से संबंधित कुछ जानकारियां भी आपको देंगे। इसके बाद हम अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन पार्ट वन के बारे में इतना ही, आगे हम आपसे दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी।